हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एड डीआर। आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ, नील डैप और नील डैप प्लस में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नील डैप किसको दे सकते हैं। कौन ले सकता है? तो नील डैप जो है आप टू व्हीलर, प्राइवेट कार और कॉमर्शियल व्हीकल, इन तीनों को आप दे सकते हैं। और बात करें हम नील डैप प्लस की, तो नील डैप जो प्लस जो है वो आप दे सकते हैं टू व्हीलर और प्राइवेट कार, सिर्फ इन दो को ही दे सकते हैं। यहाँ कॉमर्शियल व्हीकल को भी आप दे सकते हैं। अब इनमें जैसे मान लीजिए आपने ये दे दिए हैं, तो अगर क्लेम आता है तो उनमें एक्सेस क्या रहेगा? एक्सेस नील डैप के अंदर टू व्हीलर में 5% ऑफ क्लेम अमाउंट। इसमें मिनिमम 250 रुपये और मैक्सिमम जो है इसके अंदर रहेगा 1000 रुपये। अब प्राइवेट कार में भी सेम है, 5% ऑफ क्लेम अमाउंट, मिनिमम 500 रुपये हो जाते हैं इसमें, और इसमें मैक्सिमम हो जाते हैं 2500 रुपये। और इन्हीं चीज़ों पे अगर हम देखें तो अगर नील डैप प्लस ले रखा है तो जो एक्सेस है वो नील हो जाएगा, यहाँ भी नील हो जाएगा। तो इसमें जो 5% आई जो क्लेम अमाउंट है उसका 5%, तो यहाँ पे क्लेम अमाउंट का कोई परसेंटेज नहीं है, यहाँ पे एक्सेस नील हो जाएगा। जो पॉलिसी एक्सेस है वो जो नॉर्मल पॉलिसी एक्सेस लगता है जैसे टू व्हीलर पे और प्राइवेट कार पे आप पॉलिसी पे लिखा हुआ था, वही यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा, वो तो आपके लगेगा ही लगेगा। जैसे प्राइवेट कार के केस में 1000 रुपये होता है तो वो माइनस होगा ही होगा। अब ये किस जगह यूज होता है? अगर कोई पार्शियल लॉस आता है तो ही ये काम करेंगे, अगर कोई टोटल लॉस आ जाता है तो उसका नील डैप और नील डैप प्लस पे कोई असर नहीं होता है, ये एड ऑन कवर वहाँ पे काम नहीं करेंगे। अगर आपको टोटल लॉस के केस में अगर कोई नील डैप चाहिए तो वहाँ पे आप इनवॉइस प्रोटेक्शन लें, वो काम करेगा। और इनवॉइस प्रोटेक्शन के लिए पहले वीडियो डला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो अब इसमें हम बात कर लेते हैं अब इसके रेट की। रेट जो है नील डैप के अगर टू व्हीलर की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, ये आईडीवी का परसेंटेज रहेगा, परसेंटेज ऑफ आईडीवी। जीरो पॉइंट सेवन, 0.31, 0.45, 0.69, 0.96 और प्राइवेट कार में रहेगा 0.42, 0.56, 0.70, 0.91, 1.16 और कमर्शियल व्हीकल में 0.29, 0.31, 0.36, 0.43, 0.5,
फाइव थ्री। और अगर नील डेप अगर हम प्लस में देखें तो प्लस में भी परसेंटेज ऑफ आईडीवी, आईडीवी का परसेंटेज रहेगा तो टू व्हीलर के केस में रहेगा 0.24, 0.40 और 0.57, 0.67, 1.03। प्राइवेट कार में 0.45, 0.60, 0.75, 0.98 और 1.25, ये इनके रेट रहेंगे। थोड़ा बहुत अगर रेट जो चार्ट है कंपनी का उसके अनुसार हम मैच नहीं कर रहा हो तो आप इसको करेक्ट कर लेना, या आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है मैंने। जहाँ तक है सारे रेट बिल्कुल एग्जैक्ट लिखें। अब मान लीजिए कोई आईडीवी है वो 5 लाख रुपए है, हम प्राइवेट कार की मान के चलते हैं और नया व्हीकल है, तो फर्स्ट साल में 5% कम होती है आईडीवी, आपको पता होगा। तो 5% कम होने के बाद में हम मान के चलते हैं कि आईडीवी थी 5 लाख रुपए। अब इस 5 लाख का हम जब इसका इंश्योरेंस करेंगे तो फर्स्ट ईयर के अंदर पहली बार जब बीमा बढ़ाएंगे तो ये रेट रहेगा, और जब हम प्लस लेंगे तो हमारा ये रेट रहेगा 5 लाख की आईडीवी। तो हम इसको निकालेंगे 5 लाख मल्टीप्लाई 0.42, इसका हम परसेंटेज निकालेंगे तो ये हमारा 2100 रुपये बनता है। और यही हम नील डेप प्लस के अंदर निकालें तो 0.45, तो ये हमारा 2250 रुपये बनता है। तो आप देख रहे हैं ये इससे इस रेट के अंदर 150 रुपये का डिफरेंस है, ये प्लस 150 रुपये इसमें ज़्यादा रेट आएगा। अब इसी में अगर हमें 150 रुपये, हम तो ज़्यादा तो दे दिए लेकिन इसका फायदा कहाँ है? फायदा है जब क्लेम आता है। अब क्लेम आता है तो उस स्थिति में क्या होगा कि हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई क्लेम आया तो उसमें पार्ट्स लगे, पार्ट्स वन ले लिया, अब इसमें और पार्ट्स, ये कोई दो तरह के पार्ट्स हो गए कोई भी गाड़ी के अंदर जो एक्सीडेंट होने पे लगाए गए। मान लीजिए एक बम्पर हो गया और एक बोनट हो गया, तो बोनट मेटल का पार्ट हो गया और बम्पर प्लास्टिक का पार्ट हो गया, तो मेटल का पार्ट्स प्लास्टिक का पार्ट्स। अब मान लीजिए ये बोनट है तो, और ये हम ले लेते हैं 10,000 का, और ये प्लास्टिक पार्ट्स भी हम ले लेते हैं मान लीजिए 10,000 का, दोनों 10-10 हज़ार के ले लिए हैं। अब अगर हमारा नॉर्मल पॉलिसी है उस केस में क्या होगा, जिसमें कोई नील डैप या नील डैप प्लस हमने नहीं लिया है, तो उस केस में क्या होगा कि इसके ऊपर सबसे पहले मेटल पार्ट्स के ऊपर एज वाइज एक्सेस लगेगा, और एज वाइज के अंदर है अगर आपका 0 से लेके 6 महीने तक कोई क्लेम आता है, 0 का मतलब गाड़ी खरीदते ही और 6 महीने के बीच में कोई क्लेम आता है तो मेटल पार्ट्स के ऊपर जो एक्सेस है वो लगता है 0 पर। 6 महीने से और 1 साल के बीच में आता है तो लगता है 10%। अब मान लीजिए ये हमारा 6 महीने बाद 7वें महीने में क्लेम आ गया तो इस पे लगेगा 10% माइनस हो जाएगा इसके ऊपर। सॉरी, 6 महीने से 1 साल तक 5% आता है, और 1 से 2 साल तक 10%, फिर 15, 25 इस तरीके से आते हैं। तो इसके ऊपर 5% एक्सेस लगेगा मेटल पार्ट्स पे, तो -5% इसका हो गया 500 रुपये, 9,500 रुपये। यहाँ प्लास्टिक पार्ट्स है इस पे लगता है 50% एक्सेस लग गया, ये हो गया 5,000 का एक्सेस, बच गए 5,000।
अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये हो गए 14,500 रुपये। अब इसके अंदर 1,000 रुपये पॉलिसी एक्सेस, और सालवेज भी काट सकते हैं इसमें, वो कितना भी हो सकता है। मैंने यहाँ 1,000 ले लिया, 12,500 रुपये होते हैं। अब अगर इसी चीज़ को हम देखें नील डैप के अंदर, तो ये हमारे जो 10 और 10 के 10-10 हज़ार के जो पार्ट्स हैं दोनों, तो नील डैप प्लस में इन दोनों का ये जो एक्सेस लगे हैं इनकी जगह 5% ऑफ द क्लेम अमाउंट, पांच परसेंट ऑफ द क्लेम अमाउंट, मिनिमम 250, मैक्सिमम 1,000 रुपये। तो इसका 5% हो गया 500 रुपये और मिनिमम 2,500 था, तो हम इसको यहाँ अलग अलग करके के बजाय हम इनको दोनों को एक साथ लिख देते हैं। यहाँ पे टोटल आ गया, क्योंकि दोनों पे एक साथ लगना है एक्सेस, 20,000। अब इस पर 20,000 का 5% लेते हैं हम, हो गया 1,000 रुपये। तो ये मैक्सिमम 1,000 रुपये था। अगर हमारा ये 5%, ये भी ये ज़्यादा होता 20 से, तो अगर वो 1,000 से ऊपर जा रहा हो, सॉरी, ये प्राइवेट कार में 2,500 रुपये है मैक्सिमम, तो 2,500 से ऊपर जाता तो ये हमारा 2,500 ही रहता। मान लीजिए अगर इसका हम 5% करते और 5,000 रुपये बनता, तो 5,000 नहीं लेते हम, यहाँ पे सिर्फ 2,500 रुपये ही माइनस करते इसमें से, तो ये हो गया हमारा 19,000 रुपये। अब इसमें से माइनस 1,000 रुपये प्राइवेट कार पे पॉलिसी एक्सेस होता है, तो वो मिलेंगे 18,000 रुपये। ठीक है, अब अगर हम देखें नील डैप प्लस की बात करें, तो हम ये जो दोनों 10-10 हज़ार के पार्ट्स हैं इनका टोटल हो गया 20,000 रुपये। अब इसके अंदर नील डैप प्लस में कोई एक्सेस है नहीं, एक्सेस हो गया नील, ये हो गया हमारे 20,000। पॉलिसी एक्सेस है 1,000 रुपये प्राइवेट कार में, तो ये हो गया 19,000। यहाँ पे भी कोई सालवेज नहीं कटा है, यहाँ पे भी कोई सालवेज नहीं कटा है, लेकिन यहाँ पे सालवेज की जगह 5% ऑफ द क्लेम अमाउंट कम हो गया और यहाँ पे नील हो गया। तो हमने यहाँ पे 150 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे और डिफरेंस आया 1,000 रुपये का। ये तब है जब हमारी गाड़ी नई है। सेकंड ईयर में अगर हम जाते हैं या थर्ड ईयर में अगर लॉस आता है, तो ये जो डिफरेंस है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है ये। और यहाँ जो प्रीमियम है इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, आप इनको कैलकुलेट करके देख लेना, बहुत ज़्यादा इनमें खास कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये आपने देख लिया, और मैं समझता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नील डैप और नील डैप प्लस जो है ये अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।